हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। देखिए, आज मैं दोबारा से सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जो कि बेस्ड है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पे। अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो एक बार इन्हें देख लीजिए आप, तो आपको देखते साथ ही याद हो जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लज्जा पुस्तक की लेखिका कौन है। इसका सही आंसर है तस्लीमा नसरीन। लज्जा पुस्तक की जो लेखिका थी वो, उनका नाम था तस्लीमा नसरीन। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का कृषि सार कहा जाता है। तो इसका नाम है, आंसर है उत्तर प्रदेश, तो यूपी इज द राइट आंसर। लोनार झील कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। तो ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि लोनार झील बताइए कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अच्छा, और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं कि बताइए इसको लेक लोनार कहा जाता है, इसको लेक लोनार भी कहा जाता है, या लोनाल क्रेटर भी कहा के नाम से इसको जाना जाता है। तो उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है। देखिए, भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो होता है वो देवप्रयाग में होता है, तो इसका राइट आंसर है देवप्रयाग। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया। फतेहपुर सिकरी का निर्माण बहुत ही लोगों को पता होगा इसका आंसर, जो कि अकबर है। फिर गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर है सुंदरवन। तो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन जो हैं उसको सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है, देखिए, न्यूजीलैंड वासियों को किस और नाम से जाना जाता है। बहुत ही आसान आंसर है किवीज। तो किवीज के नाम से न्यूजीलैंड वासियों को जाना जाता है। दास कैपिटल के लेखक कौन है। अब देखिए, दास कैपिटल के लेखक जो है वो कार्ल मार्क्स है। इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। अच्छा, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति ही भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करेगा। उसके बाद क्या है, पूरे विश्व में बाल कल्याण से संबंध एकमात्र संगठन कौन सा है। तो यूनिसेफ। ठीक है, तो यूनिसेफ जो है बाल कल्याण से संबंधित है। एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर यानी कि जो रिमोट कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर, डाटा प्रेक्षण को क्या कहा जाता है, तो उसको अपलोड कहते हैं। इसका आंसर होगा अपलोड। कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। देखिए, पाकिस्तान और भारत को जो सीमा अलग सीमा रेखा अलग करती है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रेड क्लिफ रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, और तो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और अच्छा लगा वो वीडियो तो पसंद करें, पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपसे इससे लास्ट में अगर पूछ लिया जाए, जैसे मैकमोहन लाइन किससे संबंधित है, तो इंडिया चाइना से बोल देंगे आप कि इंडिया चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेड क्लिफ मैंने बताया था आपको, रेड क्लिफ रेखा से संबंधित जो है वो भारत और पाकिस्तान से को अलग करती है। ठीक है, या भारत और बांग्लादेश को, ईस्ट पाकिस्तान को जिसको कहा जाता है, या ड्यूरेंट लाइन पूछ लेता है कभी कभी, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग जो करती है वो ड्यूरेंट लाइन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इस चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।